दोस्तों ये करारे करारे नोट लेके आए हैं भैया। भैया कितने पैसे हैं ये तो बताओ। 7,000 है। 7,000 रुपए लेके आए हैं सप्लीमेंट्स मिला। भैया कोई सप्लीमेंट दिया? नहीं कुछ कोई नहीं। अरे यार भाई सप्लीमेंट क्यों नहीं दिया मैंने भैया बताना जरा। आपने बोला एक महीने बाद आना। एक महीने बाद आना? क्यों आना एक महीने बाद? क्या लिया था अभी आपने 10 दिन पहले? वेट गेनर लिया था। वेट गेनर लिया 10 दिन पहले? 10 दिन में क्या रिजल्ट है उसके? वजन बढ़ गया 6 किलो। 6 किलो वजन बढ़ गया? सबसे बड़ी बात बताओ भूख बढ़ गई मेरी। भूख इनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वजन 10 दिन में 6 किलो बढ़ गया है। इतनी भूख लग रही है? बहुत ज्यादा। मन भर जाता है लेकिन भूख नहीं। हाँ मन भर जाता है पेट भर जाता है भूख नहीं मिटती। इसका मतलब नकली सप्लीमेंट लिया इन्होंने। कोई भी मांस के अंदर अगर भूख बढ़ा रहा है तो जहर है उसके अंदर। भाई वो डेक्सोना और स्टीरॉइड्स घटिया है वो घटिया उसे मत लो। मैंने भैया को बोला पहले उसको लेना बंद करो क्योंकि इनकी भूख और इनका जो वजन बढ़ा है वो डाउन आएगा। इनके पैसे इनको वापस दे दिए मैंने। भैया पैसे वापस पकड़ो। एक महीने बाद जब आपका वजन डाउन आ जाएगा जब आपकी भूख डाउन आ जाएगी तब मैं आपको मांस गेनर दूंगा या जो भी आपको लेना है वो दूंगा। तो भैया कैसी लगी सलाह? अच्छी। अच्छी लगी? हाँ। कोई सेल वाली बात नहीं? नहीं नहीं। और क्या किसी को लेने चाहिए इधर उधर से कहीं सप्लीमेंट? लेने चाहिए। कहाँ से लेने चाहिए? सप्लीमेंट फिला से। सप्लीमेंट फिला से। और आपने कितने के लिए था वेट गेनर? 4200 रुपए का। मतलब कूड़ा भी लिया इन्होंने सोने के दाम पे यार। हद हो गए 4200 रुपए में तो मतलब एक से एक जो है मांस गेनर आता है पावर मांस गेनर आता है 3500 रुपए का 3 किलो। तो भाई आप ऐसी गलती मत करो भाई। मेरे सिर पे हाथ और रख दो कि आप जो है वो जाते ही फेंक दोगे। रखो जाते ही फेंक दो। ऐसा तो नहीं ना बचाने के चक्कर में किसी और को चेप दो? नहीं 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 वीडियो बना के भेज दो। वीडियो बना के भेजेंगे फेंकते हो कि वो वीडियो लगाऊंगा। और अगली बार मुलाकात होगी इनसे अलवर आउटलेट। अब ओपन हो गया है जेल चौराया मारुति नेक्सा शोरूम के सामने। आप भी विजिट करो क्योंकि सप्लीमेंट्स मिला। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स तो मिलेंगे जेन्युइन सलाह भी मिलेगी।